हरियाणा सरकार प्रदेश में कई विकासशील कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने अमृत सरोवर योजना के तहत 557 अमृत सरोवर का निर्माण किया है। उपलब्धियों के नाम से जिसकी जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी, हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बताई गई। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश हित में कई बड़े कार्य कर रही है, जिससे कई उपलब्धियां हरियाणा सरकार अपने नाम किया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत अपने तय लक्ष्य से ज्यादा अमृत सरोवर बनाकर एक और उपलब्धि अपने नाम किया है। दरअसल 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में 418 अमृत सरोवर बनाए जाने थे, लेकिन तय सीमा में ही हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों से 557 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इसकी जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक और उपलब्धि अपने नाम की। हरियाणा सरकार ने तय लक्ष्यों से अधिक अमृत सरोवर का किया निर्माण। अमृत सरोवर योजना के तहत राज्य में 557 अमृत सरोवर का निर्माण। मुख्य सचिव ने की हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। बैठक में संजीव कौशल ने अमृत सरोवर के निर्माण पर दी जानकारी। अमृत सरोवर और सभी तालाबों के कार्यों को तय समय में पूरा करें अधिकारी। कुल 5216 तालाबों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना जल्द करे तैयार। कौशल ने अधिकारियों को तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवर और अन्य सभी तालाबों के कार्यों को तय समय में पूरा किया जाए। इस कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गयी है। इस मिशन में बेहतर प्रदर्शन कर हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य बनाना है। बैठक में बताया गया है कि 5216 तालाबों के लिए ट्रीटेड वाटर के पुनः उपयोग के लिए मिकार्ड द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत कार्य योजना के अनुसार अब तक 488 के फिजिबिलिटी चेक करने के बाद अनुमानों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिन पर कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में बताया गया है कि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा PDMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में स्थित सभी तालाबों का डाटा एकत्रित किया गया है। सबसे पहले प्रदूषित और ओवरफ्लो वाले लगभग 1800 तालाबों को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड तकनीक के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मले, हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर वर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।